नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग यहाँ पर पैडलेट नाम की एप्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले पैडलेट की एक अपनी खासियत है, ये एक तौर पर आपके लिए ऑनलाइन नोटिस बोर्ड का काम करता है, साथ ही साथ शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ये ओपन डिस्कशन फोरम का भी निर्माण करने में बहुत महती योगदान देता है। जैसे कि आगामी समय में हमारा एक मून ओवर अस का प्रोजेक्ट प्रारंभ होने वाला है, तो उसके संदर्भ में आज हम यहाँ पर पैडलेट एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पैडलेट एप्लीकेशन का यूज करने के लिए आपको, जाहिर सी बात है, इस ऐप पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस वेबसाइट padlet.com पर जाना होगा, और जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का नजारा आपको सामने दिखेगा। आपको साइन अप फॉर फ्री पे जाना है, और जो भी अकाउंट आपका उपलब्ध है, जिससे आप लॉग्ड इन है, उस अकाउंट से आप अपना पैडलेट का अकाउंट बनाएं। जब आप सफलतापूर्वक अपना पैडलेट का अकाउंट बना लेते हैं, तो एक ऐसी होम स्क्रीन, या जिसको डैशबोर्ड कहा जाता है, तो वो डैशबोर्ड की स्क्रीन आपके सामने आपको दिखाई देगी। तो अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सही तौर पर पूरा कर चुके हैं। अब अगला पड़ाव इस यात्रा का पैडलेट को बनाना है। तो सर्वप्रथम आपको इस मेक ए पैडलेट ऑप्शन पर, जो मैंने आपके सामने इस समय एनोटेट करके हाईलाइट किया हुआ था, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस मेक ए पैडलेट पर क्लिक करते हैं, आपको अलग अलग लेआउट्स कि आप किस तरीके का पैडलेट बनाना चाहते हैं, उसमें जो आप चीजें पोस्ट करेंगे, जिन चीजों का प्रदर्शन आप करेंगे, वो आम जनमानस के सामने उसका गठन किस तरीके से दिखाई दे, इसके लिए आपको ये अलग अलग लेआउट्स नजर आएंगे, जैसे वॉल, स्ट्रीम, ग्रिड, शेल्फ या अन्य तरीके के लेआउट्स। और यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं केवल देखने मात्र से कि किस तरीके का लेआउट आपके लिए सही रहेगा, तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन हर लेआउट के सामने आपको नजर आएगा। आप इस प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके लेआउट को बड़ा करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा लेआउट आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो यदि मैं यहाँ पर प्रीव्यू को क्लिक करूं, तो कुछ इस तरीके से नीचे जाने पर यदि मैं पोस्ट करता हूं, तो वॉल का लेआउट कुछ ऐसा नजर आता है। अब मान लीजिए कि मैं टाइमलाइन पे जाना चाहता हूं, मैं इसको प्रीव्यू देखता हूं, तो जी, तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अपने पोस्ट को रखती है, समय के आधार पर कि कौन सी चीज कब पोस्ट हुई। तो जो मेरी आवश्यकताओं के मुताबिक है, ऐसे मैं लेआउट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक की बात हो रही है, तो मैं वॉल लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही वॉल लेआउट मेरा सेलेक्ट होता है, एक स्क्रीन, एक जिसको हम लोग अब पैडलेट कह सकते हैं, वो पैडलेट स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। अब बात यह है कि हमको उसको अपना पर्सनल टच देना है, उसको मॉडिफाई करना है। उस मॉडिफिकेशन के लिए हमको इस स्क्रीन के दाहिनी तरफ, राइट साइड में आना पड़ेगा, जो एक मॉडिफाई का पैनल हम सभी को दिखाई दे रहा है। इस मॉडिफाई पैनल के माध्यम से हम अपने पैडलेट को मनचाहा रंग, रूप और आकार दे सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें टाइटल आता है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था कि हमारा जो पैडलेट है, वो हम बनाने जा रहे हैं अपने आगामी प्रोजेक्ट मून ओवर अस के लिए, तो उसी को संदर्भित करते हुए यहाँ पर हम लिख रहे हैं मून ओवर अस इंडिया, मून ओवर अस इंडिया 2021। यदि आपको अन्य कोई डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो आप अपने पैडलेट से रिलेटेड इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर दे सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे वो आपकी हेडिंग पर नजर भी आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि छात्रों और शिक्षकों के लिए, तो एक्सक्लूसिवली फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये मेरा डिस्क्रिप्शन हुआ। और जो मैं परिवर्तन यहाँ मॉडिफाई पैनल पे करता जा रहा हूँ, आप देखिए कि जो पैडलेट की जो मेन स्क्रीन है, वहां पर भी आपको ये परिवर्तन नजर आते जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे जाने पर यदि हम लोग और गहनता से इसकी पड़ताल करें, तो एक आइकॉन ऑप्शन आता है। निवर्तमान में यहाँ पर आपको कोई आइकॉन नहीं दिख रहा। अगर आप कोई यूनिक पहचान देना चाहें अपने पैडलेट को, तो आप इस आइकन के माध्यम से अपने पैडलेट को यूनिक पहचान दे सकते हैं। नीचे आने पर आप इस इमोजीज को अगर आप ब्राउज करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा इमोजी नजर आएगा जो कि आपको रेलेवेंट लग सकता है। जैसे ये मून ओवर अस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम चंद्रमा को सिलेक्ट करते हैं। अगर अब जैसे ही इस चंद्रमा पर क्लिक किया, आप ये देखिए कि पैडलेट के ऊपर भी आपको एक क्रिसेंट चंद्रमा नजर आने लगेगा, जो कि एक एनिमेटेड इमोजी है। यदि मैं इन इमोजीज से, या जो आइकॉन इनबिल्ट है, उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं,
तो मैं अपना स्वयं का आइकन भी ऐड कर सकता हूं, अपनी स्वयं की फोटोग्राफ को भी यहां पर लगा सकता हूं। लेकिन फिलहाल हम यहां पर आइकॉन से ही काम चलाते हैं। वापस आने पर और थोड़ा नीचे आते हैं तो आप यहां पर देखेंगे एक लिंक ये नजर आ रहा है। तो ये लिंक ही वो लिंक है जो कि आपके पैडलेट को एक यूनिक पहचान प्रदान करता है। यही आप इसको कॉपी करके अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई ये मेरा पैडलेट है। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन करके आप इसको एक अपना सरल नाम भी दे सकते हैं यदि वह उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं मून ओवरस 2021 कर देता हूँ। और अपीयरेंस में भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस समय बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर फूल नजर आ रहा है, जिस कार्य के लिए आप पैडलेट बना रहे हैं तो आप उसको रेलिवेंट भी बना सकते हैं। मैं वॉलपेपर पे जा करके कलर को केवल सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझको ये कलर देना है, देखिए फोटोग्राफ चली गई, नहीं मैं कलर नहीं, मैं ग्रेडियंट देना चाहता हूँ तो मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ, नहीं मैं ग्रेडियंट से भी खुश नहीं हूँ तो मैं टेक्सचर और पैटर्न में अपने पैडलेट के बैकग्राउंड को बदलना चाहता हूँ, या कोई अन्य पिक्चर, जेट पैक को मैंने सेलेक्ट किया, यदि मैं चाहूँ तो मैं इसका कोई भी पिक्चर का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकता हूँ, और यदि नहीं तो मैं अपना स्वयं का वॉलपेपर भी ऐड कर सकता हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में सेव है। एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मेरा एग्जिस्टिंग वॉलपेपर है उसको यदि मैं चाहूँ तो टाइल या कंप्लीट फिल या बैकग्राउंड ब्लर किसी भी तरीके से उसका मैं प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रख सकता हूँ। तो यहाँ मैं चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड को ड्रॉ भी कर सकता हूँ और मैं कोई इमेज को अपलोड भी कर सकता हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में पहले से सेव है। तो यहाँ मैं पिक फाइल में जाता हूँ, तो पिक फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर कोई रेलिवेंट डेस्कटॉप या बैकग्राउंड देखता हूँ। मान लीजिए कि ये चंद्रमा मून ओवरस की बात हो रही है तो मैं चंद्रमा का ही बैकग्राउंड लगा देता हूँ। अब आप देखिए कि क्या परिवर्तन आपके सामने आ रहा है। जो बैकग्राउंड था मेरा वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम वॉलपेपर को सेट करते हैं। कलर स्कीम यानी जो भी मैं पोस्ट करूंगा तो वो पूरी पोस्ट जो है किस रंग रूप में मुझको नजर आएगी, सफेद या काला, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। किस तरीके से फॉन्ट मुझको अपने पैडलेट पे दिखाई देता है, देखिए मैं दूसरे फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, आप पैडलेट के ऊपर लिखे हुए चीजों में परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के परिवर्तन आपको नजर आएंगे। आपको जो फॉन्ट समझ में आए, जो सूट करे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे फॉन्ट में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया। अब नीचे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर और अन्य विजिटर्स का इंटरेक्शन करने का हम एक नॉलेज फोरम बना रहे हैं। यहाँ पर एक सामूहिक चर्चा का एक हम यहाँ पर पटल तैयार कर रहे हैं इस पैडलेट के माध्यम से। तो यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति ने यदि इस पे पोस्ट किया, और मैं हमेशा इस चीज को प्रमोट करता हूँ कि पोस्ट करने वाले जो मेरे छात्र हो या जो भी विजिटर्स हो, वो अपना पहले पैडलेट पे कम से कम अकाउंट बना ले, ताकि मुझको ये पता चल सके कि किस व्यक्ति ने पोस्ट किया है। यदि मैं एट्रीब्यूशन ऑन रखता हूँ तो मेरी इस मंशा को और बल मिलता है, और जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड जिसका अकाउंट है वो यदि पोस्ट करता है तो एट्रीब्यूशन के माध्यम से मुझको ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने पोस्ट किया। साथ ही साथ कॉमेंट भी एक बहुत बड़ा ताकतवर माध्यम होता है इस पूरे पैडलेट की संसाधन को उपयोगी बनाने में, इंटरैक्टिव बनाने में, डिस्कशन को एक नया आयाम देने में। तो कमेंट्स को भी हम अलाउ करते हैं, क्योंकि एक छात्र के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे हम लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जो भी चीजें मैंने पोस्ट की हैं उस पे आम जनमानस क्या समझता है, क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीजों को जानने और उन चीजों की समझ के प्रति हमारे रुझान को बताने के लिए हम चाहें तो लाइक ऑन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अप वोट डाउन वोट, सितारों स्टार से हम रेटिंग दे सकते हैं कि मैं 5 स्टार लायक ये पोस्ट है कि 4 स्टार लायक है, ग्रेडिंग दे सकते हैं। यहां पर मैं लाइक को सिलेक्ट कर रहा हूं। लाइक को सिलेक्ट करने के उपरांत यदि आप चाहें कि जो कंटेंट आपके इस पैडलेट पे आने वाला है उस कंटेंट की लगाम आपके हाथों में रहे, कि बिना आपके संज्ञान में लिए हुए वह कंटेंट पैडलेट पर पोस्ट ना हो, तो आप रिक्वायर अप्रूवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो कि सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं है, तो फिल्टर प्रोफेनिटी के माध्यम से अस्वीकृत शब्द जो है वे अपने आप ही कुछ अच्छी इमोजीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस है जो कि एक पैडलेट पे पोस्ट करने से पहले जिसमें हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब बिल्कुल स्टेज हमारी तैयार है कि हम अपने पैडलेट पर पोस्ट करना प्रारंभ करें। तो स्टार्ट पोस्टिंग पर क्लिक करते ही
यहाँ पर हमको यहाँ पर पोस्टिंग का आइकॉन आ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस पोस्ट आइकॉन पे जाता हूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट कि मैं क्या चीज पोस्ट करना चाहता हूँ, तो फर्ज कीजिए कि मैं जो हूँ स्पेस की फोटो में यहाँ पे देना चाहता हूँ अंतरिक्ष की। तो अंतरिक्ष की फोटो में यहाँ पे मैंने लिखा अंतरिक्ष के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चीजों को अपलोड कर सकता हूँ, इवन मैं अपनी स्वयं की फोटो भी खींच सकता हूँ। मैं कोई लिंक है इंटरनेट का या कोई भी जो कि जरूरी लिंक है उस लिंक को भी यहाँ पर पोस्ट कर सकता हूँ। किसी इमेज को भी यहाँ पर मैं सर्च करके उसको यहाँ पर निकाल सकता हूँ नेट से। और यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद तो एक पूरे ऑप्शंस की श्रृंखला हमारे सामने हो जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपने पैडलेट पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए एक बहुत ही व्यापक माध्यम पैडलेट प्रदान करता है। तो अब मैं यहाँ पर एक सामान्य अपलोड के लिए जाता हूँ और उस जगह पे जाता हूँ जिसको मुझको पोस्ट करना था। अब जैसे मैं यहाँ पर मेजियर 27 ऑब्जेक्ट को पोस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पर आपके सामने वो पोस्ट आ जाएगी। अब चूंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ मेजियर 27। यदि मैं कोई कैप्शन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना कैप्शन जोड़ सकता हूँ। यदि मैं कोई बड़ी जानकारी देना चाहूँ तो मैं बड़ी जानकारी भी मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ब्यूटीफुल लुक्स ऑफ द वंडरफुल कॉस्मोस, सुंदर ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य। और यदि मैं यहाँ पर कलर का परिवर्तन करना चाहूँ कि मेरी पोस्ट किस रंग रूप में आकार में नजर आए, तो मैं उस रंग रूप का भी परिवर्तन कर सकता हूँ। जैसे मैं लाल कर देता हूँ, मैं इसको पब्लिश करूंगा। अब किसी भी समय पर मुझको अपने पैडलेट से रिलेटेड कोई भी सेटिंग में परिवर्तन करना है तो कुछ नहीं, मुझको सिर्फ इस सेटिंग टैब में जाना होगा। मॉडिफाई पे जाने के बाद जो भी परिवर्तन मैंने किए थे उनको मैं दोबारा बदल सकता हूँ। यदि मैं फॉन्ट चाहूँ, देखिए फॉन्ट बदल गया। यदि मैं चाहूँ कलर थीम, तो देखिए कलर थीम मेरी परिवर्तित हो गई। और कुछ भी मैं यदि चाहूँ, जैसे रिएक्शन है तो रिएक्शन में मैं स्टार कर सकता हूँ या रिएक्शन को बंद कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझको इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद अब मैं क्लोज करता हूँ। आप ये देखिए मैं इसको लाइक कर सकता हूँ, मैं कह लीजिए या कोई भी अन्य व्यक्ति है, चूंकि कॉमेंट्स अलाउड थे तो वो सारे कमेंट्स जो हैं यहाँ पर दिख सकते हैं, वो सारे कमेंट्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं। जैसे वंडरफुल मैंने पोस्ट किया। अब ये इसका समय, किस व्यक्ति ने पोस्ट किया, तो एट्रीब्यूशन से एक मिनट पहले अमृतांशु वाजपेयी ने पोस्ट किया। और मैं इसकी जगह को भी निर्धारित कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पैडलेट पे कार्य करते हैं। हाँ, एक चीज और, यदि किसी समय मुझको ऐसा महसूस होता है कि ये लेआउट मुझको सूट नहीं कर रहा, मैं इस लेआउट पे कार्य नहीं करना चाहता, तो मैं किसी भी समय यहाँ पर तीन डॉट्स जो मोर का ऑप्शन है, इस मोर पे जा करके नीचे चेंज फॉर्मेट में क्लिक करते हुए अपने लेआउट को परिवर्तित कर सकता हूँ। यहाँ पर वे अन्य सारे लेआउट मुझको नजर आएंगे जिन लेआउट्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ परिवर्तन करके। जैसे अब मैं यदि टाइमलाइन में इसको चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन में परिवर्तित हो गई, मेरा कोई भी पोस्ट का नुकसान नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि यदि एक लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लेआउट का परिवर्तन किसी भी समय कर सकते हैं। अब मैं अपने पैडलेट को किस तरीके से पब्लिक में शेयर करूं, तो उसके लिए यहाँ पर आप राइट कॉर्नर पे ऊपर जाएंगे तो शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप शेयर पे जाएं, तो शेयर पे जाने के बाद यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहें जो कि आप ही की तरह पैडलेट को कंट्रोल कर पाए, जिसका अकाउंट होना चाहिए इस पैडलेट पे, तो आप उसका नाम लिख करके उस व्यक्ति को आमंत्रण दे सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से जुड़ने के बाद आपके पैडलेट में चीजों को कंट्रोल कर सकता है, क्या उसमें संशोधन कर सकता है कि केवल ऐड कर सकता है, क्या क्या चीजें संभव है। साथ ही साथ यहाँ पर चेंज प्राइवेसी का भी एक ऑप्शन उपलब्ध है। तो यदि हम चेंज प्राइवेसी में जाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैडलेट को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो प्राइवेट, यदि आप चाहते हैं कि दिखे तो लेकिन पब्लिक के सामने नजर ना आए, जिस व्यक्ति के पास पासवर्ड है वो इस पैडलेट को के लिंक को दे करके पासवर्ड डाल करके जा सकता है। जो पैडलेट के रजिस्टर्ड मेंबर है जिनके अकाउंट केवल वही देख पाए, तो आप इसको मेंबर्स ओनली कर सकते हैं।
आप लोगों से तो इसको दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जिसके पास इसका लिंक हो जाए पैटलेट का, वो व्यक्ति इसको देख सकता है तो सीक्रेट। और यदि आप इसको आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं कि सभी को नजर आ जाए, जो कि आपकी प्रोफाइल पे दिखाई दे, तो आप इसको पब्लिक कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए जब आप आगे जाएंगे तो पब्लिक या सीक्रेट या पासवर्ड या प्राइवेट या मेंबर्स ओनली, ये आपका स्वयं का डिसीजन होगा। अब नीचे आने पर आप ये चीज और देख सकेंगे कि विजिटर परमिशन, यानी जो व्यक्ति आपके पैडलेट पे घूमने आ रहा है आपके लिंक को देखने के उपरांत, वो व्यक्ति आपके पैडलेट में क्या क्या कर सकता है। यदि आप चाहें कि वो केवल पढ़ सकता है तो आप कैन रीड कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए पैडलेट को खुला रखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आकर के मेरे पैडलेट को देख करके पोस्ट कर सकता है, तो ये भी एक कैन राइट का बहुत अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है। यदि आप ये चाहते हैं कि व्यक्ति आ करके पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, दूसरों की पोस्ट को अप्रूव भी कर सकता है, बिल्कुल कंट्रोल आपने दे दिया दूसरे को, तो कैन एडिट का ऑप्शन भी आपके सामने उपलब्ध है। मून ओवरस एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरे व्यक्ति भी आ करके इस पे अपनी पोस्ट कर सकें, तो इसलिए मैं इसको भी फिलहाल कैन राइट कर देता हूं और मैं इन परिवर्तनों को यहां पर सेव कर रहा हूं। सेव करने के उपरांत अब मैं बैक जाता हूं और नीचे आने पर मैं यहां पर देखता हूं कि कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड, यहां पर मुझको एक पैडलेट का लिंक नजर आएगा और ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं इस पैडलेट के लिंक को, जो कि आपको ऊपर इस हाइलाइटेड सेक्शन में दिख रहा है, ये लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है और आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास इस लिंक को आप भेजेंगे या कोई भी व्यक्ति जो इस लिंक को प्राप्त करता है, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स और विजिबिलिटी के हिसाब से वो आपके पैडलेट को एक्सेस कर सकता है। आप अपने इस पैडलेट को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर। यदि एक शिक्षक के तौर पर आप इसका व्यापक उपयोग करना चाहें तो गूगल क्लासरूम की अपनी भी संभावनाएं हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप इस पैडलेट की बुनियादी सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अपने एम को पूरा करें। तो ये एक पैडलेट का ऑप्शन मैं आप सभी के सामने आज डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग इस पैडलेट की ताकत का भरपूर लाभ उठाते हुए मून ओवर अस के प्रोजेक्ट में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान और कंट्रीब्यूशन देंगे। धन्यवाद।